हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ में बहुत ही ज़्यादा मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो शेयर कर रही हूँ, जो कि है मेरे अभी खाली घर का हाउस टूर। और अभी ये घर ऐसा नहीं था, आप लोगों ने पहले देखा होगा मेरा जो बहुत पहले एक वीडियो गया था, उसमें और इसमें धरती आसमान जितना अंतर हो गया है। अभी हमने इसको रहने सहने की कंडीशन में किया है और इसको जो है पेंट करवाया है और जो लिसाई है वो भी करवाई है। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपने इस घर का हाउस टूर कर रही हूँ और अभी ये बिल्कुल खाली है, यहाँ पे कुछ भी सामान नहीं है। पर जैसा भी है, आप लोगों के साथ में एक बार मैं इसी का जो टूर है वो शेयर करूँगी। तो ये एक छोटा सा मेन गेट है और ये बाहर का जो है वो ओपन एरिया है, ये खुला है बाहर से। और हमारे यहाँ पे तो इसको चौक बोलते हैं, बगड़ बोलते हैं, आंगन भी बोलते हैं। तो ये है छोटा सा लकड़ी का, जो पहले ज़माने वाले गेट होते थे, ये इस तरीके का एक गेट लगा हुआ है। और ये दो तीन मैंने पौधे लिए थे वो लगवा दिए हैं। और आप लोगों को, और ये जो वीडियो है ये मैंने मेरे घर जाने से पहले बनवाया था, जब यहाँ पर जाल नहीं लगा था तब का ये वीडियो मैंने शूट किया था आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए। आज बस आप लोगों को एक काम करना है, मेरी इस वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक कमेंट और एक लाइक प्लीज़ मेरे इस छोटे से, मुझे पता है बिल्कुल भी आप लोगों को, कुछ लोगों को पसंद ना भी आए हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल वो नहीं है घर मेरा। पर जैसा भी है ये मेरा खुद का घर है और ये यहाँ पर बरामदा है, दो रूम ये यहाँ पे है और ये सारे कर्टेंस वर्टेंस जितने भी हैं सब मैंने अभी लगाए हैं। और बस अभी मैं इस दिन, जिस दिन मैं घर जा रही थी ना, उस दिन मैंने ये वीडियो शूट किया था। और थोड़ा सा कलर जो है यहाँ का मैरून रखा गया था, तो क्योंकि विंडो पर भी मैरून कलर ही हुआ था और पर्दे भी मेरे पास में मतलब थे, मैंने कोई भी नई चीज़ नहीं लगाई है, ऐसे ही थे वही मैंने यहाँ पर लगाए हैं। और ये तीन पौधे तुलसी और दो से तीन पौधे और मैंने लिए थे जो कि मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं। मैं आपसे छुपाऊंगी नहीं कुछ भी, ये वाला जो कमरा इधर ये जो बना हुआ है, इसके ऊपर जो छत है ना वो कच्ची छत है, इधर की कोई लिसाई विसाई भी नहीं हुई है। और ये वॉशरूम और बाथरूम जो है इसके ऊपर भी लेंटर नहीं है, तो जब तेज़ सी बारिश पड़ती है तो ये चूने लगता है। मैं आप लोगों को सारी चीज़ें हकीकत इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ भी मतलब वो नहीं है कि दिखावा करना है मुझे या कुछ, बहरहाल ऐसी चीज़ें नहीं है। बट जिस कंडीशन में जैसा घर है वैसा मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। उसको ठीक ठाक कंडीशन में थोड़ा सा किया है मैंने, क्योंकि देखिए जिस घर में हम रहते हैं और उस घर में उसको अपने रहने के लिए बनाने के लिए थोड़ा बहुत तो देखिए करना पड़ता है। मैं ऐसे घर में रह सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं गंदगी में नहीं रह सकती। मैं इस घर को भी मैंने बहुत ही मेहनत से साफ सुथरा किया है, पूरे घर को बहुत सारा काम यहाँ पर करवाया भी है ताकि बस ये घर ना क्लीन रहे। मुझे उससे मतलब नहीं है कि इसमें ये बहुत ही अच्छा पेंटिंग हो, टैल हो, पत्थर हो और बहुत ज़्यादा इसमें पैसे लगे हों, वो उस चीज़ से मुझे मतलब नहीं है। मुझे इस चीज़ से मतलब है बस घर साफ़ सुथरा हो। और उससे भी बड़ी बात, ये मेरा खुद का घर है, जब मेरा बजट होगा, जब मेरे पास पैसा होगा, मैं इस घर को कैसा भी बना सकती हूँ, कितना भी अच्छा बना सकती हूँ। तो फ़िलहाल तो ये जैसा भी था मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करना था और तो मैंने किया। और ये यहाँ पर विंडो है, दो पर्दे मैंने विंडो पर, दो ये दरवाजे हैं। इधर मेरी बहुत ही ज़्यादा छोटी सी, बहुत छोटी सी किचन है, बाहरी मैंने म्यूट जग रखा हुआ है पानी भर के, क्योंकि अभी हमारे पास में फ्रिज भी नहीं है। और तो इन्हीं बहुत सारे कम चीज़ों में मैं अपना टाइम निकाल रही हूँ। यहाँ पर बहुत सारे कमेंट आते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के, क्या आप यहीं रहोगे, आपका मेरठ का सामान, ये वो फलाना ढिमकाना, बहुत सारे क्वेश्चन हैं।
उन सारे क्वेश्चनों के जवाब टाइम रहते आप लोगों को मिल जाएंगे। ये मैंने रैक्सीन यहाँ पे डाली थी, कुछ लोगों ने इसका प्राइस पूछा है, तो पूरे घर में मेरे रैक्सीन 10,000 में डली है ये, क्योंकि ये बहुत अच्छी होती है। इसको आप किसी भी तरह पोछा लगा लो, किसी भी तरह अगर आप इसको फर्श पर डाल दोगे तो बिल्कुल ये टाइल्स जैसी लगती है। ये जो बड़े वाला रूम है इसके ऊपर भी छत कच्ची है, लेंटर नहीं है, पर हाँ ये है कि बस थोड़ा सा हमने अपना कर लिया है, इसके ऊपर हमने मिट्टी डलवा के अच्छे से पिन्नी डलवा दी है ताकि ये बारिश अगर पड़े तो ये चुए नहीं। आप देख सकते हो इसमें कड़ी डली हुई है, और इन घरों में ना ठंड बहुत रहती है, गर्मी नहीं लगती है। इधर हमारा बिजली का सारा वो हो रखा है एक ही साइड में, और इधर एक ये अलमारी है, एक ये जाली की अलमारी है वो रखी हुई है। तो ये कुछ इस तरीके का ये सबसे बड़े वाला रूम है, इसमें हम काफ़ी सारा सामान जो है वो रख सकते हैं। ये है बरामदा, और ये दो रूम है इधर, और एक रूम अभी मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। सामने वाला जो रूम है, रूम तो देखिए अभी दोनों ही खाली हैं, मांटू अपने उसमें लगी हुई है। ये वाला जो रूम है इसमें हम थोड़ा उठ बैठ लेते हैं, क्योंकि इस वाले रूम में ना मंदिर नहीं लगाया हुआ है। अगर हम मंदिर लगा देते तो फिर ये उठने बैठने के उसमें ना, क्योंकि मंदिर का तो देखिए अलग ही होना चाहिए। इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं, LED लगवाई है, और एक टेबल यहाँ पर रखी हुई थी वो टेबल यहाँ पर रखी है, और पंखे वंखे देखिए यहाँ तक कि बिजली हो या फिर लिसाई हो, पुताई हो, थोड़ा भी नीचे फ्लोर को ठीक ठाक करना हो, A to Z काम इस मकान में अभी हुआ है। और पहले की भी मैं इसकी ना पिक्चर अगर मेरे पास में होगी तो मैं ज़रूर इसके यहाँ पर वो वाली पिक्चर भी लगा दूँगी जो कंडीशन पहले थी यहाँ की, है ना। तो इस वाले रूम में कुछ इस तरीके से तकत वकत डाला हुआ है, और हमारे कपड़े वपड़े यहाँ पर रखे हुए हैं। तो बस इस वाले रूम में इतना ही है, और अभी ना मुझे साफ़ सफ़ाई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि अगर सामान होता है तो देखिए उसकी हमें डस्टिंग करना, उसको मैनेज करना, उसमें तो टाइम लगता ही है, पर जब खाली घर है तो खाली घर में इतना ज़्यादा वो नहीं था। दूसरा रूम, सेकंड रूम ये है, इसमें हमारा सामने ही छोटा सा मंदिर लगा हुआ है, जिसमें मेरे गोपाल जी बैठे हुए हैं और मेरी माता रानी बैठी हुई है। यहाँ पर भूफर ऊफर बाबा जी जो मेरे दादा ससुर थे उनकी, एक मांटू की फ़ोटो रखी हुई है, और ये अलमारी है जिनके ऊपर मैंने पर्दे लगा दिए हैं ताकि मैं इनमें कितना भी सारा सामान जो है वो स्टोर करके रख सकूँ, और वो दिखे भी नहीं, मतलब कि गंदा भी ना लगे उस तरीके से। तो ये मैंने यहाँ पर पर्दे लगा दिए थे, सब चीज़ें ये पर्दे वर्दे मेरे पास में थे पहले से ही, तो मुझे कुछ भी खरीदना या मुझे कुछ भी अलग से नहीं करना पड़ा था। और बस एक रूम ये है, एक रूम मैंने अभी दिखाया, एक लंबे वाला रूम है और एक ये बरांडा है, इतना है यहाँ पे। और एक छोटी सी किचन जो है वो हमने अभी मतलब कि वो करवाई है, ये मांटू की टेबल जिस पर वो बैठ करके अपनी पढ़ाई वढ़ाई कर लेती है। तो बस ये छोटे छोटे से रूम है, रूम भी ज़्यादा बड़े नहीं है, मैं बोलूँ कि रूम बहुत बड़े हैं, नहीं, रूम भी ज़्यादा बड़े नहीं है, छोटे छोटे से ही रूम है, पर हाँ काफ़ी है, ठीक है। आप में से काफ़ी सारे लोग मेरे घर को देखने के लिए कमेंट कर रहे थे, अभी तो खाली ही था तो खाली का ही टूर आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया है। ये वीडियो मैंने काफ़ी पहले बना लिया था पर शेयर नहीं कर पाई थी,
क्योंकि अब मैंने इसको शेयर क्यों किया है, क्योंकि इसको आप लोगों के साथ में शेयर करने का ये करेक्ट टाइम था, क्योंकि इससे बाद का नहीं, अभी दो एक दो वीडियो और आप लोगों को मिलेगा जो कि बिल्कुल ही चेंज होगा और आप लोग भी शायद सरप्राइज हो जाओगे वीडियो को देख करके, जहाँ तक कि मुझे लगता है। और मैंने वीडियो तो दूसरा बना रखा था, पर टाइम के हिसाब से और जो चीज़ें आगे होने वाली है उससे पहले ये वीडियो जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में अपना हाउस टूर शेयर करती हूँ। मेरा इस टाइम पे बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, खाना पीना करना एक काम, और आज मेरी जो वीडियो थी वो मुझे आज के आज ही आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी, वो भी नहीं हुआ है। दूसरा काम, क्योंकि उससे ज़्यादा ज़रूरी ज़रूरी काम जो है वो चल रहे हैं, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को जो हाउस टूर मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया ना, वो भी खूब सारा पसंद आने वाला है आप लोगों को, और आप इस वीडियो को ढेर सारा लाइक और ढेर सारा प्यार करने वाला हो। और हो सकता है कि कुछ लोगों को अच्छा भी ना लगे, तो उनको मैं देखिए ज़बरदस्ती तो नहीं बोलूँगी कि लाइक करना ही करना है, पर अगर आप में से किसी को भी पसंद आता है तो प्लीज़ बिना लाइक किए हुए मत जाइएगा। मुझे आपके एक एक लाइक और एक एक कमेंट से बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है, बहुत अच्छा लगता है मुझे जब आप लोग वीडियो को लाइक करते हो, तो बड़ी अंदर से बहुत ज़्यादा मुझे खुशी होती है कि एक मेरी फैमिली जो मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करती है और मेरे हर एक काम को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करती है वो आप हो, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें तो मैं किसी के साथ में भी शेयर नहीं करती, आप लोगों के साथ में तो छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ मैं शेयर करती हूँ, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और कुछ लोग बोलते हैं कि आपकी आवाज़ कम आती है, तो थोड़ा सा ना यहाँ पे देख करके बोलना पड़ता है कि अंकल जी भी रहते हैं और फिर कोई ना कोई आता रहता है, तो ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल पाती हूँ, तो उसके लिए थोड़ा सा मैनेज कर लिया करें। कोशिश करूँगी कि आगे ना थोड़ा सा वॉल्यूम मैं अपना तेज करूँ। तो चलिए फ़िलहाल के लिए इस वीडियो को एंड करते हैं, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और पहले कैसा था अब कैसा है और इसके बाद ये कैसा होगा सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर की जाएगी। बस आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।